Thank you, Sri Narendra Kumar Kashyap. महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतवर्ष की मौजूदा आबादी करीब 120 करोड़ है, परंतु दोहरी शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप सामाजिक असंतुलन हमेशा प्रतीत होता रहता है। देश की आबादी का 70% वह वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, दोहरी शिक्षा प्रणाली के आधार पर आज भी अपने आप को हीन महसूस करता है, क्योंकि महानगरों व बड़े शहरों में CBSE, ICSE विश्वविद्यालय एवं प्रांतीय परिषदीय महाविद्यालयों, विद्यालयों, कॉलेजों व प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम व उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर पठन पाठन का कार्य होता है। फलस्वरूप इन महानगरों व नगरों के छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ग्रामीण आंचल के 70% आबादी में निवास करने वाले छात्र छात्राएं आज भी केवल हिंदी मीडियम के द्वारा पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर निम्न स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके कारण लगातार छात्र छात्राओं का मनोबल गिर रहा है और प्रदेशों व देश की उच्च शिक्षा एवं रोजगार से नहीं जुड़ पा रहे हैं। महोदय, भारतीय लोकतंत्र में दोहरी शिक्षा प्रणाली शहरों व गांवों के छात्र छात्राओं के बीच में असंतुलन पैदा कर रही है। अनपढ़ता व निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के कारण जहां एक तरफ देश के बेरोजगारी का शिकार बड़ा वर्ग होता है, वहीं पर रूढ़िवादियों के कारण अपने आप को भाग व भगवान के भरोसे छोड़ देता है, जिसका कुप्रभाव बड़े पैमाने पर देश के ग्रामीण छात्र छात्राओं व युवाओं पर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के असंतुलन को समाप्त करते हुए दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर एकल शिक्षा प्रणाली लागू करने की व्यवस्था पर निर्णय लें, ताकि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्रा व युवा भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर देश के सर्वोच्च प्रशासनिक व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो अपना अंशदान दे सकें।